तो आज की वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं आज मम्मी के साथ कैंटीन गया था। तो मैंने सोचा था कि वहाँ जाकर कैंटीन पे जाकर ब्लॉगिंग करूँगा, मगर वहाँ जाते साथ मुझे वीडियो बनाने के लिए परमिशन नहीं मिला और खाली बैठकर मैंने वहाँ पर क्या क्या किया, कैसे अपना मैंने टाइम को स्पेंड किया, तो देखते हैं वीडियो में कि आगे क्या क्या हुआ। गुड मॉर्निंग बलदेव। गुड मॉर्निंग मैम, उठ गए आप? थैंक यू। सुबह सुबह हो रही है सफाई, घर की सफाई। पापा गुड मॉर्निंग। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हेलो, इसका तबीयत खराब हो रखा है। जय गद्दो, जय गद्दो, जय गद्दो नानू, जय तबीयत खराब इसकी बीवी। तो फटाफट से हो चुका हूँ मैं फ्रेश, अब चलते हैं किचन की ओर और करते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट। और मम्मी ने वो ब्रेकफास्ट फटाफट से बना चुकी है, तो चलते हैं फटाफट से वहाँ। तो हाथों में मेरे आ चुका है नाश्ता, आप करते हैं फटाफट से। तो बहुत दिनों से वेकेशन चल रहा था, दिवाली और दशहरा का, तो मम्मी बोल रही थी कि चेक कर लो कि अभी तक हमारा टोकन आया कि नहीं आया। तो मैंने आज जब सुबह उठ के जिसको चेक करना चाहा तो उसमें देखा कि मेरा टोकन नंबर आ चुका है। मैंने उसमें देखा मेरा टोकन नंबर आ गया है, तो अब चलते हैं फटाफट से वहाँ पर और लेते हैं अपना सामान। तो फिलहाल आ चुका हूँ रोड में, गाड़ी पूरी सेटअप हो चुकी मेरी, चलते हैं फटाफट से कैंटीन की ओर। तो मेरी बसंती भी हो चुकी है रेडी। हो गया, चलो चलो चलते फिर फटाफट। दे दो हेलमेट मेरा, बैठ जाओ। तो चलते फिर। आंटी जी, आंटी जी, वो चुन्नी चुन्नी चुन्नी, थैंक गॉड उन्होंने सुन लिया। आपके साथ भी कभी ऐसा होता हो आप प्लीज इनको बता दीजिएगा, किसी की लाइफ बच सकती है। ज्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पर, गाड़ियां की लाइन लगी हुई है। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पर, तो गाड़ियों की लाइन, फटाफट जाओ, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा है, पता नहीं कब नंबर आएगा। तो पहुँच चुका हूँ यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। अब यहाँ पर मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक मम्मी नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको टावर बिल्कुल नहीं मिलेगा, पूरा ज़ीरो के बराबर है यहाँ पर, जियो तो बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर आपका, तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर बैठ के खाली बस आप पढ़ाई कर सकते हो या फिर अपना कुछ भी इधर उधर घूम सकते हो यहाँ पर आप। तो फिलहाल मैं तो अभी आ चुका हूँ यहाँ पर, अभी लेके आ रहा हूँ अपना बुक्स, सब कुछ लेके आ रहा हूँ अभी, बिकॉज़ यहाँ पर तो टावर तो बिल्कुल है भी नहीं, तो क्या चलाऊँ मैं। तो निकालता हूँ अपने बुक्स और पढ़ाई कर लेता हूँ बैठ के, तब तक मम्मी नहीं आती कैंटीन से। मम्मी जा चुके हैं कैंटीन के अंदर, जिसके पास कैंटीन कार्ड है सिर्फ वही अलाउड है, अदरवाइज नो अनदर वन विदाउट एनी कैंटीन कार्ड। तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, करता हूँ उनका वेट यहाँ पर बैठ के। और घर पे प्रियश पापा के साथ है, आज पापा की ड्यूटी है, आज पापा रहेंगे प्रियश के साथ। तो मैं जब भी आता हूँ मॉम को मैं ही लेके आता हूँ कैंटीन में, तो जब तक नहीं आते करते उनका वेट, या फिर कहीं चलते हैं घूमने को या फिर पढ़ लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, टाइम तो निकालना ही पड़ेगा जैसे करके भी। सो मैं अपना बुक तो लेके आ रहा हूँ साथ में, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर नेट बिल्कुल नहीं होगा, तो करता हूँ थोड़ा सा पढ़ाई। तो टाइम हो चुका है 12:10, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा, मम्मी अभी आई नहीं है, तो तब तक मैं अपना चल रहा है पढ़ाई थोड़ा बहुत जितना भी होता है।
तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके, एक क्वेश्चन के इतने सारे पॉइंट्स, पता नहीं कब तक याद हो गए। सेकंड आंसर, इतने बड़े आंसर्स का पर बिल्कुल भी टावर नहीं जियो का, बस यहाँ पर आपको टावर मिल सकता है इस जगह पर आइडिया का। एयरटेल का वैसे मैं चेक नहीं किया था, क्योंकि पिछले बार जब मेरा फ्रेंड आया था तो मैंने उसके उसमें चेक किया था कि आइडिया का सिम यहाँ पर चल जाता है और जियो का तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। आएगा लगभग एक एक करके टावर कुछ करके आएगा, एक करके ऐसे कुछ टावर आएगा उसमें, मगर आपका उसमें नेट नहीं चलेगा, कॉल नहीं आएगा। कॉल तो आएगा, आप रिसीव करोगे, बट आप वहाँ पर बात नहीं कर पाओगे, प्रॉपरली कॉन्टैक्ट नहीं कर पाओगे। तो जब आप यहाँ पर आओ सबेरिया, कोई भी सबेरिया वाले कैंटीन में आते हो, तो प्लीज़ अपना सिम आइडिया वाला लगाएं, या फिर आइडिया वाला होना चाहिए, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट है यहाँ पर, जी वाले को ज़्यादा बेनिफिट नहीं है यहाँ पर। अभी फ़िलहाल भीड़ कम है, गाड़ियाँ भी कम दिख रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो उनका टोकन सुबह का था तो ले जा चुके हैं, तो मम्मी भी आने वाली है थोड़ी देर में, फिर हम भी चलते हैं घर को। बहुत ही अच्छा जगह है ये, अच्छा जगह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति है, ज़्यादा कोई नॉइज़ नहीं है यहाँ पर, हर जगह हरे भरे पेड़ हैं यहाँ पर, चारों तरफ से भरा है हरे भरे पेड़। ज़्यादातर यहाँ पर सिर्फ सुबह ही आपको ज़्यादातर रश मिलेगा, उसके बाद 11 बजे के बाद आपको बिल्कुल यहाँ पर शांति मिलेगी, कोई भी लोग नहीं देखेंगे, बस यहाँ पर लोग आएंगे अपना सामान लेंगे और चले जाएंगे बस, और कोई हल्ला नहीं होगा यहाँ पर। तो इसी वजह से मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा बेटर लगता है, तभी मैं यहाँ पर अपने बुक्स को लेके आता हूँ और रिडीम भी कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत याद भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा 100 मीटर के हिसाब से दूर है रोड से, मतलब मेन रोड से, तो इतना आवाज़ नहीं आता यहाँ पर, और तो नॉर्मल यहाँ पर शांति रहती है, इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा दूर है, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ से 100 मीटर दूर है यहाँ पर, तो यहाँ पर ईज़िली आप आराम से बैठ के बैठ सकते हैं, यहाँ पर ईज़िली आप बैठ सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो अपने ईज़िली, इसी वजह से। तो फ़िलहाल बच चुका है अभी एक, और अभी भी मम्मी वहीं पर ही है कैंटीन में। अभी मुझे मम्मी का कॉल आया था अंदर से, बड़े मुश्किल से, वो भी कॉल कट कट के आ रहा था, कि बोल रहे थे कि जो हमारा 11 बजे का शिफ्ट था ना, वो अब हो चुका है 2 बजे का, तो मतलब मैं तो फंस चुका हूँ यहाँ पर। मतलब जब आप जब भी कैंटीन आते हो तो बहुत ही समय के साथ आना पड़ता है, बहुत बड़ा ही टाइम निकाल के आना पड़ता है। अब मुझे घर भी जाना है और मुझे 1 बजे का मेरा शिफ्टिंग भी है, मुझे 2 बजे का भी शिफ्टिंग है मेरे को, मुझे काम भी है बहुत सारा, तो अब मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। अब मम्मी बोल रही है कि 2 बजे के बाद ही जाएंगे अब घर, अब आज जब आए रखे हैं तो सामान तो लेके जाना पड़ेगा। तो जहाँ पर जो ग्रोसरी है वहाँ का जो दरवाज़ा है वहाँ पर अभी कर दिया है बंद, कैंटीन भी जो काम करने वाले हैं उन्होंने बोला कि अभी ब्रेक टाइम होने के कारण से जगह बंद कर दी है, अभी वो कमरे को बंद कर दिया है, तो अभी बोल रहे कि 2 बजे के बाद ही सप्लाई हो पाएगा, तो वेट करते हैं, तो वैसे भी टाइम तो बर्बाद ही हो रहा है मेरा। तो कैंटीन में आने का मतलब यही है कि टाइम ऑफ वेस्टेज है, दिमाग सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि यहाँ पर बैठे रहना पड़ता है, इधर से उधर घूमते रहना पड़ता है, तो यही है प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा, और तो कुछ नहीं है। कभी कभार ऐसा हो जाता है तो क्या करें, उसको अप्रिशिएट करना ही पड़ता है। तो फिलहाल मॉम लेके आ चुकी है खाना, क्योंकि 1:15 हो चुका है, 2 बजे नंबर आएगा। हाँ, हमारा नंबर 2 बजे आएगा। तो फिलहाल अब खाते ही हल्का फुल्का सा, पेट तो भरना है, ये पेट पूजा, थोड़ा भूख लग गई है वही तो, मगर पेट नहीं भरा इससे। मम्मी भी हंस रही है, बिल्कुल भी पेट नहीं भरा। तो मम्मी जा रही है फिर वापस, वक्त हो चला है 2:10। तो अभी जगह पूरा खाली हो चुका है और कुछ गाड़ियां रह चुकी हैं, तो मतलब लोग अभी फ़िलहाल अभी कैंटीन के साइड में खड़े हो रखे हैं, और गाड़ी अभी जो मैंने आते समय आपको दिखाए थे इतना सारा भीड़, तो वहां पर गाड़ी स्टैंड करते हैं, क्योंकि मैं प्राइवेटली यहाँ अपनी गाड़ी को स्टैंड करता हूँ। फिलहाल बच चुका है 3, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पर। अब तो मम्मी आ चुकी हैं, चलते हैं फटाफट घर को, आ चुका है पूरा सामान। आंटी थैंक यू, नहीं कोई नहीं, मेरे को चाहिए। अच्छा अच्छा, चलते हैं फटाफट से बैग में डालते हैं सामान और चलते हैं घर की ओर। तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, 4 बजने को है अब। तो आपने सुन लिया कि कितना भीड़ था, मम्मी कह रही थी वहाँ पर, क्योंकि मैं 11 बजे से आ रखा था तो मुझे जाना था 1 बजे, तो 1 बजे तक के बाद तो फिर 3-4 मतलब 2 घंटे और एक्स्ट्रा मुझे यहाँ पर बैठना पड़ा। तो अब फिलहाल सामान आ चुका है मेरा, मम्मी अब उस चीज़ को रख रही है बैग में। सो अंधेरा हो चुका है। पल्लवी खाना खा लिया आपने? हाय दा, हाँ खा लिया, आपने खा लिया? बस खा लिया। हेलो चाची, खाना खा लिया आपने? ओके ओके ओके, गो गो गो। तो आ चुका हूँ कमरे के अंदर। वैसे आज का दिन बहुत ही थका देने वाला था, कि मम्मी सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ सही बोल रहा है। तो
अभी भी हाथ में कैंटीन का चीट लेके बैठे हुए हैं, कर रहे हैं कैलकुलेशन। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका प्यार और आपका सपोर्ट यूँ ही मुझे देते रहिएगा। तो मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में।